इंडिया स्वैप टीम में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम से पहले आपको जानना होगा वो टॉप 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपकी बिलासपुर की हो, चाहे दुर्ग की हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे बस्तर की हो, चाहे सरगुजा की हो, सभी जगह के बच्चे जानना चाहते हैं कि वो टॉप 5 क्वेश्चन हमें बता दिया जाए, जिसको पढ़ करके हम जाएँ और हमारे पाँचों क्वेश्चन बन जाए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 5 क्वेश्चन। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जहाँ पर आज आप जानेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में वह टॉप 5 क्वेश्चन सब यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक एक करके सब यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ कि वह कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। केवल 5 क्वेश्चन, ना ही 10, ना ही 15, ना ही 20, केवल 5, और 5 के 5 बहुत इम्पोर्टेंट, एक ही यूनिट का एक ही क्वेश्चन। तो देखो, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, दुर्ग की और बस्तर की, ये तीनों यूनिवर्सिटी जिस क्वेश्चन को इस साल उठाएगी अपने वार्षिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स में, वो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का। सबसे पहला क्वेश्चन व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसकी प्रमुख विशेषता, ठीक है। तो वो एक ही क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में पूछे जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पूरा 100% चांस जिस यूनिवर्सिटी पूछने का है वह है बिलासपुर। बाकी 95% चांस इस दोनों यूनिवर्सिटी का है जो पूछेगा दुर्ग और बस्तर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अब मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइएगा, ठीक है। पहले हिंदी में लिख लेता हूँ, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा। बच्चों इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे क्या है? इसकी प्राकृतिक एवं महत्व। इसकी प्रकृति को ही हम विशेषता बोलते हैं, ठीक है, और महत्व। तो ये जो क्वेश्चन है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसकी प्रकृति और महत्व, इस क्वेश्चन को 2023 के फाइनल एग्जाम में बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर की यूनिवर्सिटी पूछेगी ही पूछेगी। दो क्वेश्चन आना है जिसमें से इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एकदम झांट करके आपको कोई 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पता चल गया। तो डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स नेचुरल एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये है क्वेश्चन, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दी। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है यूनिट 2 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनिट 2 से जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर सभी के लिए, वो है क्वेश्चन दूसरा, मैं बता रहा हूँ टॉप 5 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका मांग की लोच और उसके महत्व, ठीक, मांग की लोच उसके महत्व या उसके महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को यूनिट 2 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पूरे 100%, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं, दो तीन तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो पहले अगर पूछा जाए तो होगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट डिटरमिनेड, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो है मांग की कीमत लोच श्रेणियाँ, कीमत लोच श्रेणियाँ। पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मांग की कीमत लोच श्रेणियाँ की व्याख्या कीजिए, मांग की कीमत लोच श्रेणियाँ को मापने की विधि को समझाइए। रायपुर यूनिवर्सिटी इसको बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने की, टॉप
और टॉप टू, टॉप वन के क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिया, टॉप टू में ये है आपका, ये आपको पढ़ना चाहिए जो रायपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए, वो है आपका पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल का जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बिलासपुर ने 21 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछेगा। लगातार 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करेगा, जिसमें से 2 बार किया जा चुका है, तीसरा इस बार है। पैमाने का प्रतिफल, और ये 17 नंबर का चैप्टर है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, नए परीक्षा बोर्ड के अनुसार। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी भी पूछ सकती है, तो इसको पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। से जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बाजार क्या है या बाजार कहाँ से है, बाजार, बाजार का अर्थ या बाजार को परिभाषित कीजिए, बाजार क्या है। और इसी के साथ साथ पूछा जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को समझाइए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, तो सुनाई दे रहा होगा तो उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन को ढूंढिए एग्जाम। ठीक है, डिफाइन द मार्केट, व्हाट आर द इसेंटियल फैक्टर्स फैक्टर्स विच एक्सटेंडेस द मार्केट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 4-5 तो दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन को ही, मतलब एक ही क्वेश्चन ने 4-5 तरीके से लिखा हुआ है। किसी को दुर्ग पूछ रही है, किसी को रायपुर पूछ रही है, किसी को बिलासपुर पूछ रही है, फिर किसी को सरगुजा पूछ रही है, तो कुल मिलाकर के बस्तर सरगुजा सभी इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा अलग अलग बताने की कोशिश करूँगा। तो जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ठीक है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत को समझाइए विस्तार से, ये क्वेश्चन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, नए परीक्षा पद में क्वेश्चन नंबर 41 है, लगान रेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के बच्चे, क्योंकि दुर्ग की यूनिवर्सिटी ने लेटेस्ट 21 में पूछा है और 22 में नहीं पूछा है, तो 1 साल बाद के क्वेश्चन को वो लोग रिपीट करते ही हैं, तो इसको 23 में देने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, अगला किसको पढ़ लेना चाहिए, तो बस्तर को पढ़ लेना चाहिए, रविशंकर यूनिवर्सिटी को पढ़ लेना चाहिए। सरगुजा ने 2017 में पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा है, तो हो सकता है वो भी इसको पूछ ले। ठीक है, बाकी और मैं देखता हूँ, अगर अलग रहा तो बताता हूँ। तो अब रायपुर यूनिवर्सिटी और बिलासपुर के लिए इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बस्तर के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने हैं वो है 28 चैप्टर है मेरे ख्याल से, और क्वेश्चन नंबर 43 है। ये अभी मैंने जो बताया कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है ब्याज के तरलता परित्याग का पुरस्कार, ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, और इसी को बोला है कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता प्रसंगी सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो ब्याज के तरलता संबंधी सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन इस साल यूनिट 5 से आ सकता है। तो ये कोई टॉप 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपके एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चनों को जो जो यूनिवर्सिटी को मैंने बताया है वो पढ़ लें। ठीक है, इनको पढ़ करके ही जाना, बाकी अपने मन से तो आप 5, 10, 15 तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये थे टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, खासकर इस साल के पेपर में बिलासपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और बाकी जो इनको मैं जो जो बताया है। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो पढ़ लेना, पर ये जो टॉप 5 क्वेश्चन मैंने बताया इनको देख करके जाना। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और एग्ज़ाम दिलाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ सर इसमें से ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, बाय बाय। हाँ, लेकिन पूरी मेहनत आपके ऊपर है, ये मैंने कोई संभावित 5 क्वेश्चन बताए हैं, आप एक्स्ट्रा भी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।